करीबियन पार्टी विचों कढे जाण तों बाद नवजोत सिद्धू ने दिता राजा वड़ी नूं शैराना अंदाज विच जवाब। पंजाब च मीं नूं लै के होई नवीं भविखबाणी, जारी होया नवा अलर्ट, नीतीश कुमार दे नाम होया नवा रिकॉर्ड, नौवीं बार बिहार दे मुख्यमंत्री वजों चुकी सहुं। लोकसभा चोणां च जित यकीनी बनाउण लई आप कुछ मंत्रियों नूं बना सकदी है उम्मीदवार। आगमी दिनां विच मंत्रियों दे विभागां विच हो सकदा है बदलाव। जींद च गरजे सीएम भगवंत मान, भाजपा ते निशाने साध बोले, असीं इन्हां तों डरन वाले नहीं। हुण खबरां विस्तार नाल। नवजोत सिंह सिद्धू दी मोगा रैली दा इंतजाम करन वाले दो आगुआं नूं पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग वल्लों सस्पेंड कीते जाण दा मामला गरमा गया है। नवजोत सिद्धू ने हुण शायराना अंदाज विच राजावड़िंग दा नाम लए बिना उन्हां नूं जवाब दिता है। उन्हां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स ते लिखा कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, मुझे गिराने की कोशिश कर हर शख्स बार बार गिरा। दसनयोग है कि हलका निहाल सिंह वाला दे साबका विधायक महेश इंदर सिंह मेशी अते उना दे पुत्र धर्मपाल सिंह डीपी नूं पार्टी विरोधी गतिविधियां कारण हाईकमान ने बाहर कढ़ दिता है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग दे हुक्मां ते नवजोत सिंह सिद्धू दे करीबी महेश इंदर सिंह अते धर्मपाल नूं कांग्रेस पार्टी चों मुअत्तल कर दिता गया है। कड़ाके दी ठंड तों बाद हुण दिन विच धुंद निकल नाल राहत वाला सीजन शुरू हो गया। हुण 1 फरवरी नूं मीह दे आसार हन। हालांकि 12 साल दे रिकॉर्ड मुताबक जनवरी महीना सुक्का लंघ रहा है, पर 28 जनवरी शाम नूं एक वैस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होण जा रहा है। भावें इह थोड़ा कमजोर है, पर इस तों बाद दूजा वैस्टर्न डिस्टरबेंस 31 नूं सरगर्म हो जाएगा। इस नाल 1 ते 2 फरवरी नूं मीह पैण दे आसार हन, पर हुण दिन समय संघना कोहरा देखण नूं नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही लोकां नूं लिहाजा लोकां नूं हड्ड चीरवीं ठंड तों राहत मिलण दी संभावना है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चोणां विच जित यकीनी बनाउण लई कुझ हलकियां विच पार्टी दे सीनियर आगुआं, खास करके कैबिनेट मंत्रियां नूं चोण मैदान विच उतारन ते विचार कर रही है। सियासी हलकियां विच अटकलां चल रहियां हन कि आप हाईकमांड अगले दिनां विच पार्टी अते सरकार विच कुझ बदलाव कर सकदी है। सत्ता दे गलियारियां विच चर्चा है कि आगमी दिनां विच कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में वड्डा फेरबदल किया जा सकता है। सूत्र दसते हैं कि पिछले दिनों दौरान हुई कैबिनेट की मीटिंग विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रियों की कारगुजारी नूं लैके कई मंत्रियों की चंगी क्लास लगाई सी। दसाया जा रहा है कि पार्टी हाईकमांड कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर, डॉक्टर बलजीत कौर, अमन अरोड़ा, गुरमीत सिंह खुडियां, लालचंद कटारू चक नूं चोण मैदान विच उतारन ते विचार कर रही है। पार्टी हाईकमांड बकायदा हलकियां विचों इन्हां मंत्रियों बारे वर्करां, वलंटियरां अते खुफिया एजेंसियां राहीं फीडबैक इकट्ठी कर रही है। भावें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले दिनों दौरान सूबे विच इकल्लियां चोणां लड़न दा बयान दे चुके हन अते 13 दीआं 13 सीटां जितण दा वी दावा कर चुके हन, पर पार्टी दे संगठन जनरल सकत्तर प्रोफेसर संदीप पाठक ने उम्मीदवारां ते चोण बारे तालमेल कमेटी वल्लों फैसला लैण दा बयान दिता सी। कौमी पद्धर ते आप अते कांग्रेस इंडिया गठजोड़ दा हिस्सा बन चुके हन। सूबे दी राजधानी विच नगर निगम चोणां विच आप अते कांग्रेस ने हथ मिला लिया है। पंजाब विच इकल्लियां चोण लड़न नूं लै के दोचीती बरकरार बनी हुई है। कांग्रेस आगुआं तों बाद हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इकल्लियां चोण मैदान विच उतरन दी गल कह चुके हन। लोकसभा चोणां लई कल आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के जींद तों चोण दा बिगल वजा दिता है। आप दे सुप्रीमो अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई च जींद च एक रैली की गई। इस मौके किसान सैल दे वर्करां ने केजरीवाल दा शानदार स्वागत किया। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन विच पंजाब विच कीते गए कामां दा जिक्र किया। उथे ही भाजपा ते तिखे शब्दी हमले भी किए। इनको लगता हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ फुफा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलत फहमी में थे, जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास नहीं पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है जनता। जब चाहे आदमी अर्श पर और ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती है आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं, जनता से डर लगता है और डरना भी चाहिए। तो इसीलिए आपके पास आए हैं, झाड़ू उठाइए, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूं संदीप जी, एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते, ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं। ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने,
आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं, कौन सा भरना है, जीरो ही है ये, कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली का कनेक्शन काट जाएगा, जीरो है ये। किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, फिर उस बात को, उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक, आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है, 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेकर ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं, आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं, बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना, क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने तो बोल दिया था उस वक्त, सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृहमंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, सारे बैठे थे, मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं, मैं तो बोल देता हूं सच। सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता, जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोले, सच वाले को क्या रखना। 15 लाख तो आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कहते आ गया, पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, जुमले सुनिए इनके जुमले, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है, ये बात शक में है भाई साहब, मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था गुजरात में, एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था, गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी ही बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कुछ चीज नहीं है जो, हाँ थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है करके बेचा है, कुछ खरीदा नहीं है, तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए, इनका क्या करोगे भाई साहब, 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं, अब परखे हुए को और तत्परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी, जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली है, क्या करें। मोदी जी ने पूछा कौन, किसने बनाए, सतेंद्र जैन ने बनाए, जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया सतेंद्र जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे मापे, हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए, जी मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल लो, जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल, हरियाणा भी जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, जहां भी जाता है बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे, हम वो पत्ते नहीं। यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, दो चार तो आए होंगे ना,
आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहां पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहे। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा इकट्ठे ही थे सब भाई, सब बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, हमारे अग्निवीर हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के, गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है भाई साहब, इनको क्या पता है यार देश का, ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है, भाई हमने ही लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेना है, क्या याद होते लाला लाजपत राय जी का, आज उनका जन्मदिन है, आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से, अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना, झाड़ू वाला बटन दबा देना, और उसमें से एक आवाज आएगी टिंग, ऐसी आवाज आएगी, उसको मशीन की चीख मत मानना, उसको बीजेपी और कांग्रेस वालों की चीखें मान लेना बस। इन्होंने हमारी चीखें बहुत निकलवाई हैं, बदला लो इनसे, और कोई चारा नहीं है। तो पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं, पंजाब में बिजली आम है। एक बात और अच्छी हुई पंजाब में, आम तौर पे क्या होता है, सरकार आती है सरकारी अदारों को घाटे में दिखाती है, अपने दोस्तों को भेज देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है। 1 जनवरी को अनाउंस किया, अभी अरविंद केजरीवाल साहब जाएंगे, उसका पूर्ण रूप में हमारे अंदर जो काम करेगा वो गोविंदवाल साहब, खडूर साहब में गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट प्राइवेट सरकार ने खरीदा है कि हम चला के दिखाएंगे इसको, आपसे नहीं चल रहा, हम चला के दिखाएंगे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप साथ दीजिए और जनता का साथ आएगा। हम तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम कोई लॉबिंग करने नहीं आए, हमारा कोई रेत की खड्ड में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई बसों ट्रांसपोर्टों में हिस्सा नहीं है, हम कोई किसी व्यापार में हिस्सा नहीं डालते, हिस्सा डालते जरूर है लेकिन जनता के दुखों सुखों में हिस्सा डालते हैं। सियाने कहते हैं खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधे रह जाते हैं, हम आपके दुख आधे करेंगे, खुशियां दुगनी करेंगे। और इतना प्यार आप लोगों ने दिया, दिल से ये बात निकल रही है कि अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मैं तो आता जाता ही रहूंगा, संगरूर, ये संगरूर की धरती से तो निकले हैं, ये जींद रियासत, ये रियासत की राजधानी संगरूर थी पेप्सू के समय, बुजुर्ग पुराने बैठे हुए याद होगा। तो आपसे आग्रह है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसे नारे लगाओ कि इधर तो चलो अपना ही राज है, इधर दिल्ली में उनका है ऊपर वाला राज, वहां तक आवाज पहुंचे और उनके दीवारों के और उनकी खिड़कियों के जो शीशे हैं ना वो थोड़ा कांपने लगे कि हाँ यार आज जींद में कुछ हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब।